बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़रूरी है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यू पेपर में आती है इसकी कॉन्जुकेशन और सेंटेंस और फ्रेमिंग में दीज टू हेल्पिंग वर्ब्स आर द मेन, ठीक है वो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ब एत्र एत्र वर्ब मीन्स टू बी ठीक है मतलब कि है होना मतलब है या हूँ ठीक है एत्र वर्ब का मतलब होता है ठीक है तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिख लिए ठीक है सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि दोज वर्ब्स विच आर यूज दोज प्रोनाउंस विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट दोज आर नोन एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस लाइक यू एल इल एल नू वो एल एल ठीक है तो अब जो एत्र वर्ब की कॉन्जुकेशन है वो हम इन वर्ब्स के अकॉर्डिंग इसके आगे लिख देते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जी ज स्वी ज स्वी ठीक है दिस मीन्स आई एम क्यू ए यू आर फॉर यू फॉर सिंगुलर वन ओके Uh, जैसे कि इंग्लिश में हम यू के आगे आर लिखते हैं इसलिए हमने यहाँ पे आर लिखा जबकि ये पूरा सिंगुलर uh, के लिए है ठीक है नेक्स्ट इज इल ए ही और इट इज ठीक है इट जो होगा मैस्कुलिन के लिए अगर मैस्कुलिन है कोई भी नाउन जिसके लिए हम इट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ यूज होगा इल तो ए इल ए एल ए ठीक है फोकस ऑन द प्रोनासिएशन इट योर टीचर में आस्क दैट प्रोनाउंस यंजुगेट एथ रोज यू विल से जस्वी त्यू ए एल ए एल ए नैक्स इज नो सॉम नो सॉम जस्वी त्यू ए एल ए एल ए नो सॉम नो सॉम मीन्स वी आर दीज आर द्लूरल वंस एज एड इन द्रीवियस वीडियो नेक्स्ट इज वू जेट ठीक है अब देखो इसके प्रोनाउंसिएशन में एक चीज ध्यान दो मैंने बोला वूज एथ वू जेट जबकि मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन वू बताई थी वू ठीक है लेकिन यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वु जेत वूज एथ ऐसा क्यों क्योंकि यह चीज जो है हमारा आ, है, है? ठीक तो हम जब भी इससे पहले एस होगा तो या फिर आ, कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको हम वैसे तो साइलेंट रखते हैं यहां पे हमारा एस साइलेंट है तो अगर इसके आगे वॉवल आ गया तो हम इसके साथ इसको जोड़ देंगे ठीक है जैसे कि इसमें मैंने कहा इसके साथ इस मतलब इसकी प्रोनाशिएशन को हम बोलेंगे पहले तो हम नहीं बोल रहे थे पहले हमने इसको साइलेंट रखा था इसको ठीक है जैसे ही इसके आगे वॉवल आ गया हमने इसका प्रोनाउंसिएशन ऐड कर दिया उस अब एक चीज और ये वाला एक्सेंट हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में एक्सेंट वाली वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा वाला

no sommes, vous êtes ils sont, elles sont okay so let's move with the next verb next verb is avoir avoir it is again an helping verb again a helping verb this avoir means to have take okay. uh, to have so let's start j j अब देखो यहां पे मैंने ज का ई नहीं लिखा ठीक है अब वो इसलिए क्योंकि ये जो है वॉवल से स्टार्ट हो रहा था आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जब भी, भी ज में इसके आगे वॉवल से स्टार्ट होगा वर्ड तो ज का जो होगा ड्रॉप हो जाएगा और इसके बदले आ जाएगा एपोस्ट्रोफ सिर्फ ज में सिर्फ एक्सेप्शन होता है ज में आगे हम किसी में देखेंगे कि जैसे इसमें है वॉवल है क्लैश कर रहा है लेकिन हमने यहाँ पे यू ड्रॉप नहीं किया सिर्फ ये ज में ड्रॉप होता है राइट सो लेट्स मूव फर्दर जे आई हैव आव यू, है, यू फॉर दी सिंगलर वन इल आ, he or it has, एल आ ही और इट हैज एल आ शी और इट हैजो वी हैव वूज आवे देखो यहाँ पे मैंने इसके साथ जोड़ दी प्रोनाशिएशन अगेन जैसे मैंने लास्ट वर्ब में बताया कि जब ये भी वॉवल से स्टार्ट होता है और इससे पहले का अगर वर्ड साइलेंट होता है तो के आते के साथ ही हम उसकी प्रोनसिएशन वापस आ जाती है पूरा प्रोनाउंस करते हैं नूज अवो वी फॉर यहाँ पे भी मैंने जोड़ दिया ठीक है दिस बोथ मीन्स दे हैव दिस फॉर द एंड दिस फॉर दिन वन राइट सो द we'll meet in our next video please like share comment and subscribe to our channel thank you bye bye